ख्यालात से हमें आगाह करें। आप सबकी वो भरपूर तालियों में सर जिशान तबस्सुम साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्यालात से तो यकीनन आप आगाह हो चुके हैं, और ये मेरा नहीं ख्याल कि मेरा मुकाम मंसब है इस वक्त कि डॉक्टर फैज़लुद्दीन नसीम साहब के बाद और डॉक्टर शाज़ी अंजुम साहिबा के बाद मुझे कुछ गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं सिर्फ इजहार तशक्कुर के लिए हाजिर हुआ हूँ। उसमें सबसे पहले तो मैं बेहद ममनून हूँ उन मुकर्ररीन का, पार्टिसिपेंट्स का, जो पाकिस्तान भर से तशरीफ लाए हैं। पिछले दो दिन से ये हमारे मेहमान हैं और हमारी उनकी तकारीफ की रौनक हैं, जीनत हैं, और आज इस तकरीरी मुकाबले में भी उन्होंने बहुत बढ़ कर के हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब जो हमारे मुंशी के आगा हैं फैज़ नसीम साहब, वो तकरीरी मुकाबले से मुताबिक चंद गुजारिशात और तजावीज़ आपकी खिदमत में पेश कर चुके। ये वो मारूजात हैं जो मैं भी गाहे बगाहे कोशिश करता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी के हद तक अपने तलबा के सामने पेश करता रहूँ। अल्लाह करे कि हमारी ये बातें आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए। बहरहाल, जिन बच्चों ने भी यहाँ शिरकत की तो मुझे वो शेर याद आ रहा था कि बहुत से लोग हैं जो बोल भी नहीं सकते। मैं अपने आप को इजहार तक तो दे आया। माशाल्लाह, देखिए जो मर्द अव्वल था आपका इंट्रा यूनिवर्सिटी, उन सब के आप विनर्स हैं, और उसके बाद आप लोग इस आखिरी मरहले तक पहुँचे हैं और आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो सिलसिला है, ये शमा जो रोशन की है डायरेक्टर सीरत चेयर डॉक्टर सजीला कौशक साहिबा ने, तो ये मुकाबला जात का सिलसिला इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा, और आप लोग इसी तरह से हमारी मुआवनत करते रहेंगे, तशरीफ लाते रहेंगे, तो मैं आप सबका और आपके साथ आने वाले असाज़ा सबका बेहद ममनून। उसके बाद फिर मैं दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा आज की इस तकरीरी मुकाबले के मुनसफीन कराम का। जिब्रान जमशेद साहब इससे पहले मरहले में भी हमारी मुआवनत कर चुके हैं, और आज तो हमने इन्हें, सच्ची बात है कि इसको शॉर्ट नोटिस भी नहीं कह सकते, तो बस ये है कि वो हमारे जज जो तशरीफ लाने थे तो बावजूद आखिरी वक्त पे उन्होंने कुछ माजत कर ली, तो हमने सर से रिक्वेस्ट की, इनकी मेहरबानी है, उन्होंने वक्त निकाला और ये तशरीफ ले आए। कुतुबुद्दीन शहजाद साहब के भी हम बेहद ममनून हैं, बेहद शाइस्ता शख्सियत के मालिक हैं, और लफ्ज़ वज़ादारी जो है वो भी इन पर ख़त्म है। हमने जब भी इनसे रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है, तो कभी कोई ऐसा जुमला भी नहीं, यानी इनकी तरफ से सुनने को मिला जिससे हमें एहसास हो कि पता नहीं हमने इन्हें कोई तकलीफ दी, या तो इनके भी हम बेहद ममनून हैं कि ये हमेशा तशरीफ लाते हैं। और डॉक्टर फैज़लुद्दीन नसीम साहब, ये तो हम सब के मेंटोर हैं और ये हम सब के बड़े हैं, तो इनके लिए तो मेरे पास सच्ची बात है कि शुक्रिया के अल्फाज ही नहीं हैं। तो बहरहाल, हम सर से हुज्जत कर लेते हैं, इनकी मोहब्बत है कि ये जब भी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं तशरीफ ले आते हैं। उसके बाद जितने असाज़ा कराम मुझे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर इस्मतुल्लाह शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर साहिदा इरशाद हैं, मैडम साहिबा का नाम थोड़ा सा मुश्किल था तो मैं याद नहीं कर सका, वहाँ सईदी साहब हैं और मोहसिन साहब भी और बाकी अहबाब, इन सब की तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। और फिर स्पेशली जो मैं थैंक्स करना चाहूँगा, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अजहर हुसैन साहब, ये हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं स्टूडेंट अफेयर्स के, और यूनिवर्सिटी में जो सोसाइटीज़ हैं तो उन्हें भी ये देखते हैं, उसके डायरेक्टर हैं, और इनकी सरपरस्ती में सोसाइटीज़ बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह जो है वो फ़ाल हो रही हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर शेख शफीकुररहमान साहब, इन्होंने जो वक्त निकाला है, इनके भी हम बेहद ममनून हैं। मैडम शाज़ी अंजुम भी बहुत ही मेहरबान तबीयत की और बेहद वज़ादार और शाइस्ता खातून हैं, बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं, तो
तो इनके लिए भी हम जाहिर है कि जज्बे ममनूनियत रखते हैं, सारी तकरीब में मौजूद रहीं। मैडम साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर सजीला कौसर साहब को। आखिर में मैं डॉक्टर इमरान साहब का नाम मिस कर गया था, वो मुझे देख रहे थे माजर। तो मैडम साहब यकीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अब ये सीजर चेयर के जब से आई हैं तो वो वाकई तम फाल होती महसूस हो रही है, और ये तकलीफ भी इसी सिलसिले की करी थी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। हाजिरीन मजलिस, हमारे साथ ही तकरीरी मुकाबले के साथ साथ पैरेलल में क्विज कंपटीशन भी हो रहा था,